कि बहुत सारे किसान भाई ऐसी गलतियां करते हैं जो मैंने यहाँ देखा है। कई जगह विजिट पे भी जाता हूँ तो मन बड़ा व्यथित होता है किसानों की इन गलतियों को देख करके। उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं कि गोबर की खाद यहाँ रखी है और पिछले कितने दिनों से रखी है ये मैं नहीं जानता ही कितने दिनों से ये धूप में पड़ी है। मित्रों पहले तो ये जान लें, बहुत सारे किसान शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब अब गोबर की खाद डालने का कोई फायदा नहीं मिलता आपको। फायदा मिलेगा कैसे, आप गोबर की खाद डालते कैसे हैं? बहुत जगह आज इसी पे मैं बात करूंगा, गोबर की खाद डालने के तरीके और उसे इकट्ठे करने के तरीके जो हमने भुला दिए हैं उसको पुनः लाना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज करते थे इकट्ठा करने के जो तरीके अपनाते थे उस तरीकों को अपनाए हम, तो आज भी गोबर की खाद बहुत शानदार रूप से फायदा करेगी। उससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेगी। मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं किसी किसान ने कहीं दूर से, मुझे लगता है क्योंकि यहाँ से तो इकट्ठा नहीं हुआ है, कहीं दूर से इन्होंने ला के गोबर की खाद डाली है, रखी है यहाँ पे, ताकि जब ये खेत बनाएंगे तो उसमें डालेंगे और ये फायदा करेगी। यह गोबर की खाद जितनी फायदा करनी चाहिए किसान को, यदि ये किसान अपने खेत में डालता है तो शायद 10% 15% 20% दे दे, इससे ज्यादा फायदा नहीं करे। उसके पीछे रीजन क्या है, गोबर हम खेतों में क्यों डालते हैं? गोबर की सड़ी हुई खाद हमारे बैक्टीरिया के लिए बहुत बढ़िया भोजन का काम करती है। गोबर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़िया पाई जाती है, गोबर में बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व गोबर में होते हैं। लेकिन यदि हम उसकी सही तरीके से खाद को सही तरीके से अप्लाई करें खेतों में तब तो वो सारे मिलते हैं, नहीं तो क्या होता है, जैसे आप गोबर की खाद इकट्ठा किए हैं जब निकाल करके यहाँ रखे हैं तो आप देखें गोबर बिल्कुल सूख चुका है या सूख करके बिल्कुल कंडा हो गया है। देखिए इसकी हम बात करें तो ये पूरा जो है सूख गया है, यह गोबर बिल्कुल सूख गया है। यदि किसान इसको डाल करके और जुताई करके पानी चलाएगा तो आप देखेंगे कि पानी पे कंडे तैरने लगते हैं। इस यह गलती आपको कुछ यूं समझिए कि आप अपने सोने को बेकार कर रहे हैं। इस गोबर की खाद को हमेशा पहले इकट्ठा करने के तरीकों को मैं जान लूं। हरियाणा में जाता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि लोग अपने पशुओं के गोबर को रोड के किनारे इकट्ठा डंप करते हैं। उससे क्या होता है, मैंने देखा है कि उससे क्या होता है कि जो जब बारिश होगी तो गोबर में जो न्यूट्रिशन है जब पानी पड़ेगा तो वो सारा बह करके नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज वो धूप में जलेगा काफी तो उसमें बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनियम नाइट्रोजन बन करके हवा में उड़ जाएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। गोबर इकट्ठा करने की सबसे बढ़िया विधि जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं, कोई भी फसल हमारा किसान 40 दिन से कम की नहीं लेता है, 40 दिन से 100 दिन से कम की नहीं लेता है, कम से कम 3 महीने फसल चाहिए, 2 से 3 महीने फसल कोई भी आप करें तो उतने समय बिजाई से लेकर कटाई तक के लग जाते हैं। अब आपको गोबर इकट्ठा करने का सही तरीका यह है कि खेत का एक कोना चुने और खेत के एक कोने जो आपने चुना है उसमें कम से कम 5 फीट गड्ढा, 5 से 7 फीट गड्ढा कर ले, 6 फीट कर ले, ये डिपेंड करता है कि आपके पास गोबर कितना है। कम से कम एक खेत, जो आपके कई खेत हैं तो एक खेत में एक कोने पे कम से कम ऐसे कोना में लेकर के 5 फीट 4 फीट 3 फीट का जितना आपकी आवश्यकता हो उसका गड्ढा बना ले। उसके बाद गोबर और घर में सब्जियों के स्टैक जो आप सब्जी के छिलके वगैरह हैं वो सारा इकट्ठा करके उसी में डालें। साथ साथ दूसरी चीज क्या हो गई, जो आप फसल लगाते हैं जैसे आपने भिंडी लगाई, तुरई लगाई, कुछ भी लगाया, लौकी लगाई, तो इनके गौ जो हैं या वेस्टेज जो हैं उनको भी लाके इसमें डाल दिया। अब जब आप गोबर भी डाल रहे हैं, घास फूस भी डाल रहे हैं, घर का कूड़ा कचरा भी डाल रहे हैं और जब भी खेत में पानी चलाए थोड़ा सा पानी को खोल दीजिए, एक लेवल में पानी आ जाए, पूरा गीला हो जाए तो बंद कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, जब तक आपकी फसल, एक फसल जो एक तो आपको आसानी होगी कि वेस्टेज कहीं ले जाने नहीं है, आग भी नहीं लगाना है आपको। मैं बताता रहता हूँ कि यदि किसान अपने खेत में आग लगाता है तो इसका मतलब वो अपने भाग्य और किस्मत को वहीं रख करके फूंक देता है, तो आग नहीं लगाएंगे। एक तो जब वेस्टेज आपके खेत में कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप ले आकर के गड्ढे में डाल देंगे, दूसरा गोबर भी आपको आपने ही डाल दिया, तीसरा काम अब जो भी फसल लगाएंगे उसमें जब पानी चलाएंगे तो पानी दे देंगे तो क्या होगा, गोबर प्रोसेस करेगा, सड़ना शुरू हो जाएगा
और गोबर की खाद कम से कम 100 से 120 दिन में वो पूरा सड़ करके रेडी हो जाएगी। 120 दिन बाद आप चाहें तो अपने गोबर की खेत को, जैसे ही आपने फसल को खेत को साफ किया, वैसे ही ये गोबर की खाद आप खेतों में डालिए। और गोबर की खाद डालने का तरीका ये होना चाहिए कि आज आपने आज गोबर की खाद डाली, आज ही तुरंत छींटा, आज ही उसकी जुताई हुई और कल उसमें पानी चला दिया। ये तरीका सबसे बढ़िया है। अब यहाँ यदि इस तरह से गोबर की खाद आप इकट्ठा करेंगे तो इसका 10 से 20% शायद आपको फायदा मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। और यदि आप इसका सही उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत खेत में डालने के बाद जुताई कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा आप देखेंगे। और ये भी जानिए कि लगभग फसल बुआई से, यदि आपके पास समय है तो कोई भी फसल इस खेत में लगा रहे हैं, तो लगाने से कम 21 दिन पहले, यदि खेत खाली है आपके पास समय है तो 21 दिन पहले गोबर की खाद को अपने खेतों में डाल करके, छींट करके, जुताई करके पानी चला दीजिए, ताकि वो मिट्टी में पूरा मिक्स हो जाए, बैक्टीरिया उसे खाएं और फिर उसको उसके रूप को परिवर्तित करें। आपके जब फसल लगाने का टाइम हो तब यह खाद रेडी टू यूज कंडीशन में आ जाए, कि जब आप प्लांट लगाएं तो उनको इजिली अवेलेबल हो। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी को पाने के बाद आप गोबर की खाद इकट्ठा करने के तरीकों में बदलाव करेंगे और इसके साथ साथ इसके यूज करने के तरीके, जो जाने अनजाने में हम लोग गलतियां करते रहते हैं, उन गलतियों से बचेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक फायदा इसका ले सकें।